लोकसभा चुनाव से पहले जयंत चौधरी के एनडीए गठबंधन में शामिल होने की चर्चाओं के बीच समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने बड़ा बयान दिया है। सपा महासचिव शिवपाल यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हम जयंत चौधरी और उनके पिताजी को भी अच्छी तरह से जानते हैं, मैंने उनके साथ काम किया है। हमें उम्मीद है कि जयंत चौधरी किसानों की लड़ाई को कमजोर नहीं होने देंगे और वह कहीं नहीं जाएंगे। तो आइए आपको भी सुनाते हैं शिवपाल यादव ने अपने बयान में और क्या कुछ कहा है। देखिए, हम जयंत को भी अच्छी तरह से जानते हैं, उनके पिताजी को भी अच्छी तरह जानते हैं, उनके साथ मैंने काम भी किया है। उन्होंने, उनके पिताजी ने कभी किसानों की लड़ाई को कमजोर नहीं होने दिया। हमें उम्मीद है कि जयंत भी किसानों की लड़ाई को कमजोर नहीं होने देंगे और किसानों की लड़ाई को लड़ते हुए कहीं नहीं जाएंगे, ये हमें विश्वास। वही इससे पहले पत्रकारों से बातचीत में शिवपाल यादव ने कहा था कि मैं जयंत चौधरी को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, वे धर्मनिरपेक्ष लोग हैं। बीजेपी सिर्फ मीडिया को ब्लमिट कर रही है, आरएलडी हमारे साथ है और हम मिलकर बीजेपी को लोकसभा चुनाव में हराने का काम करेंगे। तो आइए आपको शिवपाल यादव का यह बयान भी सुना देते हैं। देखिए, जयंत को मैं अच्छी तरह से जानते हैं, वो सेकुलर लोग हैं और ये देखिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मीडिया के माध्यम से भ्रमित किया जा रहा है, तो वो कहीं नहीं जा रहे, वो मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन में रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 को कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में पार्टियों के बीच उठापटक शुरू हो गई है। इस बीच कई मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लग सकता है। खबर है कि आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी की बीजेपी से डील हो गई है, इसके बाद वह सपा का साथ छोड़ सकती हैं और एनडीए खेमे में जा सकती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी ने जयंत चौधरी को लोकसभा की 4 सीटें ऑफर की है, इसके बाद से आरएलडी और सपा की दोस्ती टूटने की चर्चा तेज हो गई है। बता दें कि इंडिया गठबंधन में शामिल आरएलडी को सपा ने 7 सीटें देने की बात कही थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।